विशेष करके जो पत्नियां हैं वो पत्नियां क्या करती हैं, पीछे रहती हैं। जो पत्नियां पीछे रहती हैं, ठीक है, जो पत्नियां पीछे रहती हैं, पीछे रहती हैं, अपने संग नहीं चलती, आगे नहीं बढ़ती, वो पीछे मुड़कर देखती हैं, क्योंकि वो पीछे हैं, पीछे मुड़कर देखेंगी, आगे की ओर नहीं। और वो नमक का थंब बन गए। लूत की पत्नी, लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा। लूत के पिता की मृत्यु होने के बाद वो अपने चाचा के साथ ही रहता था, अब्राहम के साथ ही रहता था। और बाद में जब बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ गई तो वो अलग हो गया था। जब वो अलग हो गया था और सदोम और अमोरा के देश में रहने लग गया था, परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा के देश बड़े पापी हैं, लेकिन अब्राहम को याद करके, हे लूत, तू और तेरा जो कुछ भी है घराना, उसको मैं बचा लेता हूं। ऐसा करो, हे लूत, तू और तेरे घराने के जितने भी लोग हैं तेरे साथ चले, और कहां जाएं? पहाड़ से पार, यहां से पार निकल जाएं, ताकि जो स्वर्ग से आग और गंधक आएगी, आकाश से आग और गंध गिरेगी, और ये सदोम और अमोरा के देश खत्म हो जाएंगे, जलबल जाएंगे, लेकिन तुम्हें मैं बचा लूंगा। तब लूत ने कहा अपने दामादों को, असल में उनकी बेटियों के साथ उसकी शादी नहीं हुई थी लेकिन मंगनी हुई थी, तो वो वहीं पर था। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, ये जो देश है वो जलबल जाने वाले हैं, तो आप ऐसा करो, जल्दी से यहां से निकलो। उन्होंने कहा ये जलबल जाएंगे, आप बैठ सकते हो, और आप जल्दी से यहां से निकलो। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, वहां से मतलब अपने ससुर की बात पर उसने, उसके दामादों ने ध्यान नहीं दिया, अपने ससुर की बात पर उसके दामादों ने ध्यान नहीं दिया, और वो उस संसार के साथ नष्ट हो गए। अगर उसके ससुर, वो उसके दामाद उसकी ससुर की बात पर ध्यान देते, उसके साथ चलते, उसके साथ रहते और उसके साथ चलकर पार निकल जाते तो वो बच जाते, लेकिन उन्होंने अपने ससुर की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो नाश हो गए। उन्होंने अपने ससुर की बात को मखौल में, ठट्ठों में उड़ा दिया, बाइबल में लिखा है, और वो नष्ट हो गए। लेकिन मैं आपका ध्यान जो दिलाना चाह रहा हूं वो है, फिर से इसे पढ़िएगा। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। लूत की पत्नी जो लूत के पीछे थी, साथ नहीं चल रही थी, लूत की पत्नी, सुनिए, लूत की पत्नी लूत के साथ नहीं चल रही थी, ऐसे साथ साथ नहीं चल रही थी, साथ साथ नहीं चल रही थी, कहां थी वो? पीछे थी। कहां? पीछे थी, काफी पीछे होगी मैं सोचता हूं। लूत की पत्नी अपने पति से बहुत पीछे थी, इसलिए जैसे आकाश से आग गिरी और वो नष्ट होने लगे तो उसने एक ना पीछे मुड़ के देखा, जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा वो नमक का थंब बन गई। और आज भी मैंने देखा वहां वो नमक का थंब बनी हुई है, आज भी वो नमक का थंब बनी हुई है। हालेलुया। जिस दिन पर विश्व मसीह बादलों पे आएगा तो वो फिर वो लूत की पत्नी का फिर वो शरीर जो है वो सही हो जाएगा, एक नया नया शरीर, जैसे कि परमेश्वर के वचन कुरिन्थियों में लिखा है। तो आज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, विशेष करके जो पत्नियां हैं वो पत्नियां क्या करती हैं, पीछे रहती हैं। जो पत्नियां पीछे रहती हैं, ठीक है, जो पत्नियां पीछे रहती हैं, पीछे रहती हैं, अपने संग नहीं चलती, आगे नहीं बढ़ती, वो पीछे मुड़कर देखती हैं, क्योंकि वो पीछे हैं, पीछे मुड़कर देखेंगी, आगे की ओर नहीं, और वो नमक का थंब बन गए। आपको आगे बढ़ना है और आगे की ओर देखना है। विशेष करके आज मैं पत्नियों से बात करना चाह रहा हूं। पीछे क्यों रह गई?
उसको तो बराबर साथ होना चाहिए था, उसको तो साथ चलना था चाहिए था। आज आत्मिक तौर पर पत्नियां जो हैं वो पीछे हैं। आज प्रार्थना में कई पत्नियां पीछे हैं, आज आराधना में कई पत्नियां पीछे हैं, बाइबल को पढ़ने में कई पत्नियां पीछे हैं। और पीछे हैं तो पीछे के पीछे कई बार शैतान पकड़ लेता है। आज आपको आगे बढ़ना है। अगर एक घर में दो बहुएं हैं, एक घर में तीन बहुएं हैं, तो उनके अंदर कंपटीशन होना चाहिए कि मैं अच्छा वो एक घंटा प्रार्थना करती बहू बड़े वाली, ठीक है मैं डेढ़ घंटा प्रार्थना करूंगी, तीसरी कहे मैं दो घंटे प्रार्थना करूंगी। ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, बल्कि ये कंपटीशन ही होना चाहिए भी उसने भी पोचा नहीं लगाया और मैं भी पोचा नहीं लगाऊंगी, उसने ये नहीं किया और मैं भी नहीं करूंगी। ये कंपटीशन के बजाय ये कंपटीशन होना चाहिए कि उसने 15 मिनट प्रार्थना की है, मैं एक घंटा प्रार्थना करूंगी। ऐसा आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना। लूत की पत्नी की तरह पीछे नहीं रहना, ऐसी भावना होना चाहिए। मैं ज्यादा आज्ञाकारी बनूंगी, मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाली बनूंगी, मैं ज्यादा वचन पढ़ने वाली बनूंगी। ये आपकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए एक वचन पढ़िए, नीति वचन 31 अध्याय, नीति वचन 31 अध्याय और उसका 15 वचन। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बीच में ही थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूं। नीति वचन 31 अध्याय और उसका 15 वचन। वह रात ही को उठ बैठती है। हाँ, जो पत्नी है वो रात ही को उठ बैठती है, रात ही को उठ बैठती है, मतलब सुबह जल्दी उठ जाती है। वो सुबह जल्दी उठ जाती है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि वो गर्मी में 8:30 बजे तक सो रही है, 9 बजे तक सो रही है। वो क्या करती है, क्या लिखा है, रात ही को, फिर से पढ़िएगा ऊंची आवाज में, वह रात ही को उठ बैठती है। जो अच्छी पत्नी है वो रात ही को, सुबह जल्दी उठती है, रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, अपने घराने को भोजन खिलाती है, सारा काम देखती है, काम करना शुरू कर देती है। फिर आप कहेंगे भी जो वो इतना जल्दी उठती है तो जल्दी रात को सो जाती होगी इसलिए जल्दी उठती है। अगर रात को लेट सोएगी तो सुबह लेट ही उठेगी, ऐसा नहीं है। रात को कितने बजे सोती है, 18 वचन में लिखा है, 18 वचन। वे परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है और रात को उसका दिया नहीं बुझता। रात को भी उसका दिया, रात को भी उसका दिया नहीं बुझता। जो पत्नी है उसका रात को भी उसका दिया नहीं बुझता, रात को भी अंधेरे तक वो काम करती है और सुबह लिखा है रात को उठ बैठती, यानी कि अभी पूरी तरह रोशनी नहीं हुई होती, उठ बैठती है, रात को भी उसका दिया नहीं बुझता। वे अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। वे अटेरन में हाथ लगाती है, चरखा पकड़ती है, रात तक, अब तो कौन चरखा काट रहा है, लेकिन रात तक अंधेरे तक वो काम कर रही है और सुबह जल्दी उठ रही है। सुबह जल्दी उठती है, रात को ही उठ बैठती है। और 13 वचन, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। और ये पत्नी जो है प्रसन्नता के साथ काम करती है। कैसे काम करती है, प्रसन्नता के साथ काम करती है। कैसे काम करती है, कुड़कुड़कार बुड़बुड़कार नहीं काम करती, प्रसन्नता के साथ काम करती है, प्रसन्नता के साथ काम करती है। और 30 वचन पढ़िएगा, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रार्थना की जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो प्रार्थना करती है, सुबह उठकर प्रार्थना करती है, रात को प्रार्थना करती है, वचन को पढ़ती है, सुबह जल्दी उठकर परमेश्वर की स्तुति करती है,
जल्दी उठकर अपने घराने को संभालती है, रात को लेट तक दिया नहीं बुझता और वो काम करती रहती है। ऐसी पत्नी सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, सुंदरता व्यर्थ है, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी और सब लोग उसे क्या कहेंगे। 28 वचन पढ़िएगा, 28 और 29 वचन। उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहेंगे, उसके पुत्र और उसका पति भी, उसके परिवार के सारे लोग सब उठेंगे उसको धन्य कहेंगे, उठकर धन्य कहेंगे उसे। हाँ, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे तो काम किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। लेकिन तू सबों में श्रेष्ठ है, तू सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए लेकिन तू सबों में श्रेष्ठ है। रात अंधेरे तक तू काम करती रही, सुबह अंधेरे में ही उठी पड़ी और प्रसन्नता के साथ काम कर रही है, बुड़बुड़ करके नहीं, कुड़कुड़ करके नहीं, प्रार्थना में लगी है, आराधना में लगी है। हालेलुया। ऐसी पत्नी की उसके बेटे भी प्रशंसा करते हैं और ऐसी पत्नी की उसका पति भी प्रशंसा करता है। और जो पत्नियां पीछे रह जाती हैं और फिर लूत की पत्नी जैसी बन जाती हैं, ना वो ऊपर की रही ना वो नीचे की रही, ना वो ऊपर जा सकी ना वो नीचे जा सकी, नमक का थम बन गई, किसी काम की नहीं रही। इसलिए पीछे नहीं रहना, पीछे रहोगे तो पीछे मुड़कर देखोगे, पीछे मुड़कर देखोगे तो फिर नमक का थम बन जाओगे। इसलिए इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं जो पत्नियां हैं विशेष, क्योंकि आपको सबसे श्रेष्ठ बनना है, सबसे श्रेष्ठ बनना है, सबसे आपके अंदर कंपटीशन होना चाहिए, आपके अंदर कंपटीशन होना चाहिए, मैंने सबसे श्रेष्ठ बनना है। लेकिन इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने सबसे श्रेष्ठ बनना है, ज्यादा प्रार्थना करने वाली मुझे बनना है, ज्यादा आराधना करने वाली, ज्यादा उपवास करने वाली, ज्यादा काम करने वाली और सुबह जल्दी उठने वाली और रात को लेट सोने वाली, ऐसा मुझे बनना है। और बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है कि वो दूर से अपने भोजन वस्तुओं का सामान मंगवाती है, लिखा हुआ है। ये नहीं है कि जब कोई मेहमान आ गया और डब्बे में देखा चीनी नहीं है, जब पास की दुकान से दौड़कर जा लेकर आ, जब चाय पत्ती पास की दुकान से लेकर आ, वो महंगी भी मिलेगी और क्वालिटी भी वो ना मिलेगी। लिखा है वो दूर से भोजन वस्तुओं का सामान मंगवाती, दूर से क्यों मंगवाती है, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मंगवाती है। काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है। ओ हालेलुया। तो लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, अब उन्होंने तो पीछे मुड़ना, परमेश्वर कहा था कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, अब लूत ने तो पीछे मुड़कर देखना नहीं था, लूत की बेटियों ने भी पीछे मुड़कर देखना नहीं था, वो तो आगे चल रहे थे। अब जो पीछे थी उसकी जिम्मेदारी थी कि मैं दौड़ कर उनके साथ मिलूं, मैं दौड़ कर अपने परिवार के साथ मिलूं, लेकिन वो पीछे रह गई। अब वो पीछे मुड़ते तो वो उनकी हानि होती, उन्होंने नहीं देखा पीछे वाली को दौड़ना था और उसने आगे आना था और वो बच जाती। लेकिन ऐसे हालात हुए ना ऊपर की ना नीचे की रही। मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, सुंदरता तो व्यर्थ है लेकिन लोग प्रशंसा करें, सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्नी बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके संग रहे और परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ करे। स्वयं मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूं, विशेष करके जो बहने हैं उनके लिए। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, आज का पवित्र वचन हमने सुना। परमेश्वर पिता, आपके वचन में एक
सर्वश्रेष्ठ पत्नी के बारे में लिखा गया है, एक भली पत्नी के बारे में लिखा गया है। आपका वचन कहता है 31:10 कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसकी कीमत तो सोने से मूंगे से भी अधिक है। परमेश्वर पिता, आज मेरी प्रार्थना है कि आप जितने भी हमारे बीच में बहने हैं, चाहे वो लाइव देखती हैं, चाहे हमारे बीच में हैं, जे सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, ये पीछे ना रहे, पीछे मुड़कर ना देखें, ये आगे बढ़े प्रार्थना में, आराधना में, घर के कामों में, आपके सेवा कार्यों में। सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन आत्मिक सुंदरता आप पसंद करते हैं परमेश्वर पिता। ये आगे बढ़े, आज मैं मांगता हूं परमेश्वर मसीह के नाम से कि ये बहने आगे बढ़े, ये आगे बढ़े और इस वचन के अनुसार इनके जीवन में हो। परमेश्वर पिता, अगर पिछले दिनों में ये पीछे रही हैं, लूत की पत्नी की तरह ये पीछे रह गई, लूत की पत्नी की तरह या इन्होंने पीछे मुड़कर देखा, परमेश्वर पिता आज इन्हें क्षमा करें और आज से कर नया जीवन इन्हें दे, ताकि आगे की ओर देखें, ताकि आगे की ओर बढ़ें, ताकि आगे की ओर चलें। और जैसे आपका वचन में लिखा गया है कि रात को अंधेरे तक उसका दिया नहीं बुझता और वो चरखा कांपती है, और सुबह उठकर जल्दी अंधेरे में उठकर अपने घराने को भोजन वस्तुएं देती है। हे पिता, जितने भी इस प्रार्थना को ग्रहण करते और सुनते हैं, इस वचन को सुनते और ग्रहण करते हैं, इस प्रार्थना को सुनते और ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में विश्वास के साथ ऐसा हो जाए। हे पिता, दया करें, बल देने वाला आप हैं, बुद्धि देने वाला आप हैं, सामर्थ्य देने वाले आप हैं, मदद करें और अधिक आत्मिक बना। परमेश्वर पिता, मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण करो। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।